मानसिकता वही है जो हमेशा रहती है उसको नहीं बदला जा सकता आपको नहीं लगता कि ये चीज़ गलत है उनके बेटी के ऊपर नहीं गाना चाहिए मैं मैं दावे के साथ कर रहा हूँ मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कहना नहीं चाहिए लेकिन आपने देखा पिछले छः महीने पहले मेरे ख्याल से उनका एक दो गाना बज रहा था कभी लाइव देखा था आपने कभी रोए थे किसी ने देखा था वो जब नहीं बजेगा तब वही होता है तो कहीं ना कहीं से कर्म वैसा होगा जो आपको घसीटना पड़ रहा है बच्चे को भी गलत बात है ये सब चीज़ आप आप देखिए वो जो लाइव था उससे पहले उस गायक को किसी ने नहीं सुना होगा आप पूछिएगा पब्लिक से जाके पूछिएगा कि उस गायक का गाना पब्लिक ने कब सुना लाइव देखने के बाद तो ये लोग खुद से प्रमोट करवा रहे हैं खुद से अब सिंपैथी लेना चाहते हैं और ये हमेशा होगा मैं दावे के साथ कर रहा हूँ इसको कोई नहीं बदल सकता है अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो आपका जूता मेरा सर आज नहीं एक साल दो साल बाद भी आप देख लीजिए जब गाना नहीं बजेगा यही होगा यहाँ से ये माइक चला के मार देंगे तो भी बंद हो जाएगा वो स्विच ऑफ कर देंगे तो भी बंद हो जाएगा ये आप पे डिपेंड करता है आप बंद कैसे कर रहे हो सेम चीज़ उस लड़के के साथ भी हुआ है समझ गए डिम्पल डिम्पल तो, तो अखिलेश जादू का मेहराू के नाम है यूपी के जो सीएम रहे हैं उनकी बीबीए का नाम है तो लोग किसको छोड़ रहा है भाई ये लोग किसी को ये सब ये सब फेसबुक या गुंडा हो गए कि कुछ मत कह जैसा चला तरह से चले तक कहीं पकड़ रही ये दे हजार के फिर है कुछ ना बोल गलत है या नहीं ये चीज कची के ये गाना किसी का नाम धो करके गा देना ये चीज गलत है या नहीं, नहीं, नहीं गलत तो है, है गलत तो है अच्छा अभी हाल ही में खेसारी लाल जी जो लाइव आए हुए थे लंदन से उसको बोल रहे हैं वो दुनिया में एक लौते आदमी नहीं है जिनको बच्चा नहीं है अगर आपके हिसाब से आपका एक वीडियो देखे थे हम जिसमें आप बोल रहे थे कि पवन सिंह गायक बाद में हैं पहले मेरे बाप हैं पहले मेरे पिता हैं तो भाई आप ये कैसे कह सकते हैं जो खुद पवन सिंह को अपना बाप मान रहा है जो पवन सिंह को कह रहा है कि मेरे पिता हैं वो आदमी ये कैसे कह रहा है कि पवन सिंह को बच्चा नहीं है जैसी भी से दिलवा कोड दि अधेरा हमें छोड़ दी हो जयबू ससुराना पवन जस बरेन डमिलि मरद सेगन है डमिलि हो बाद बाकी तोरा गलिया में तोरा गलिया में मिले हम आइब ए जान तले लो पुदीना चिलाईब ए जान सारा, है, सारा गर्दा, कोहराम मचा रहा है। तो मैं रोशन सिंह विश्वास जी हैं जो अभी हाल ही में पुदीना ये हसीना 2.0 लेकर के आए हैं और लगातार एक नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं और एक दिन के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा पंद्रह पंद्रह मिलियन का सर्वेशन हुआ है और ये कल ही होने वाला था लेकिन आज किया गया कल कुछ कारण था इसको वजह से कल केक नहीं काटा गया आज काट गया भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कैसे है धन्यवाद आपका भी भैया पंद्रह मिलियन का केक काट के कैसा लग रहा है वन डे अच्छा लग रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है वन डे पंद्रह मिलियन हुआ हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये गाना बहुत जल्दी सौ मिलियन हो भैया अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि ये पुदी, पुदीना ये हसीना टू पॉइंट जीरो तो अच्छा चलिए रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अभी देखा जा रहा है कि हरी हरी उढ़ी भी उनका बहुत तेजी से वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा बज भी रहा है घाव दे देवे हरी हरी उ भैया अभी जितना गाना गाए हैं सब तो वायरल है <laughs> पुदीना पहला वाला भी ट्रेंड में है पहला वाला भी ट्रेंड में है तो ये पावर है ना पावर यहाँ से शुरू हो रहा है पावर ही कहाँ से क्यों ले आई इसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले भैया गन्ना एक वाला प्रोजेक्ट का बात बोल रहे हैं ना तो भैया का प्रोग्राम का एक रात में जितना बोलते हैं ना डायलॉग सारा प्रोग्राम का वायरल है पावर कहाँ से ले आई झमकावला से हो देख रहे ना न दो दो मिलियन रील्स बना है सब पे तो अभी हाल ही में हरिहरी ओरहनी का लगभग सताइस से अट्ठाईस दिन में अंदर सताइस से सत्ताईस से अट्ठाईस दिन के अंदर एक मिलियन रील हाँ एक रेल, मिलियन रील साठ मिलियन व्यूज साठ मिलियन व्यूज भी है ये भी कैसा लग रहा है एक मिलियन रील इतना कम समय में इतना ज़्यादा कैसा लग रहा है कैसा फील हो रहा है ये सब उनके ललाट पे लिखा हुआ है भैया ये सब करनामा उन्हीं के लिए बनाई है तो हमेशा अच्छा लगता है अभी भी अच्छा लग रहा है भैया अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे खेसारी लाल जी लाइव आते हैं और रोते हैं अपने आप को एकदम कमज़ोर साबित करते हैं कि भाई देखो वो इतना कमज़ोर है कि उनको लाइव आकर के ये कहना पड़ रहा है कि देखो हमारे बेटी के ऊपर गा गाना गा देता है बहुत सारे लोग लेकिन अदर समाज के लोग हैं जो कुछ नहीं कह रहे मानसिकता वही है जो हमेशा रहती है उसको नहीं बदला जा सकता आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ गलत है उनके बेटी के ऊपर नहीं गाना चाहिए मैं मैं दावे के साथ कर रहा हूँ मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कहना नहीं चाहिए लेकिन आपने देखा पिछले छः महीने पहले मेरे ख्याल से उनका एक दो गाना बज रहा था कभी लाइव देखा था आपने कभी रोए थे किसी ने देखा था वो जब नहीं बजेगा तब वही होता है तो ये हैबिचुअल है इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते लेकिन आपको ये नहीं लगता दावे के साथ कर रहा हूँ जब जब किसी का गाना बजेगा तब तब यही होगा कोई ब्रह्मा नहीं रोक सकते हैं नेचर कैसे अब तो बना के भेज दिया ना भगवान अब यहाँ पे कैसे नेचर बदलेंगे वो नहीं बदल सकता है लेकिन भैया आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनका गाना नहीं बज रहा इसलिए रो रहे हैं उनके बेटी के ऊपर गाना गा देता गा दिया गया है तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है तो, देखिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सब में अपने बच्चे को ना लाए बच्चे को नहीं लाए कहीं ना कहीं से कर्म वैसा होगा जो आपको घसीटना पड़ रहा है बच्चे को भी गलत बात है ये सब चीज़ आप आप देखिए वो जो लाइव था उससे पहले उस गायक को किसी ने नहीं, नहीं सुना होगा आप पूछिएगा पब्लिक से जाके पूछिएगा कि उस गायक का गाना पब्लिक ने कब सुना लाइव देखने के बाद तो ये लोग खुद से प्रमोट करवा रहे हैं खुद से अब सिंपैथी लेना चाहते हैं ये स्ट्रेटजी है सर लेकिन वो लड़का लड़के ने गाना गा के गलत नहीं किया इस चीज़ को समझिए यह स्ट्रेटजी है इसको स्ट्रेटजी बोला जाता है कि किसी भी तरीके से मेरा भी नाम आए मेरा तो गाना आ नहीं रहा है मेरा गाना चल नहीं रहा है पब्लिक के जेहन से मेरा नाम नहीं पब्लिक कंपेरिजन किया जा रहा है पब्लिक को दो खंड में दो भाग में बांटा जा रहा है कि कम से कम एक से मेरी कंपेयर की जाए मेरी तुलना की जाए ये स्ट्रेटजी है ये इसको आप हल्के में मत लीजिए लेकिन ये चीज़ आपको ये गलत लगता, ये लगता ये है कि नहीं प्री उसने प्री उनके बच्चे के ऊपर गाना गाना भैया गलत सही हटा ना दीजिए ये सब प्री प्लान्ड है ये सब प्री प्लान्ड है आप उस लड़के को पिछले बार जा कर के माफ़ी मांगवा लिए मा उसको अपने टीम में शामिल कर लिए सब कुछ कर लिए आज वो गाना आप ही पर गलत गा रहा है ये सब प्लान किया हुआ है चीज़ें हम कह रहे हैं ना कि ये सब स्ट्रेटजी है इसको हल्के मत लीजिए और ये हमेशा होगा मैं दावे के साथ कर रहा हूँ इसको कोई नहीं बदल सकता है अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो आपका जूता मेरा सर आज नहीं एक साल दो साल बाद भी आप देख लीजिए जब गाना नहीं बजेगा यही होगा यही होगा ये तो सरासर भैया आप इंजाम लगा रहे हैं उनके ऊपर कि गाना नहीं बज रहा है इसलिए वो लाइव आकर रो रहे हैं मैं किसी मैं गीतकार हूँ ना मैं चेहरे से ज़्यादा उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता हूँ किसी भी आदमी के तो वो कभी बदल ही नहीं सकता है कोई नहीं बदल सकता है लेकिन उनके बच्चे के ऊपर गाना आया ये गलत हुआ या नहीं देखिए गलत है प्लांटेशन किसने किया है इस विवाद का प्लांटेशन किसने किया है आपने सौ लड़कियों का नाम लेकर के गाना गाया है किसने गाया है आप सबसे ज़्यादा नाम लीजिए किसने गाना गाया है लड़कियों के नाम लेकर के तो उसके तो जनक जो हैं अब जनक के ऊपर ही गाना आ रहा है तो क्या किया जाएगा उसको अब समझिए कि वो समाज में आपको माफ़ी मांगना चाहिए आप एक बार लाइव आकर के कहिए माफ़ी मांगिए कि हमने गलत किया है अब हमको ऐसे प्रताड़ित नहीं किया जाए हमको उम्मीद है हम भी पूरी पब्लिक भी उनको सपोर्ट करेगी अगर वो एक्सेप्ट कर ले नीलुआ किसी की बेटी नहीं है कजली किसी की बेटी नहीं है कई तो गाना सुने थे हम तो सुनबो नहीं करते हैं लेकिन नाम के चलते सुने थे आप कभी सरयाम आकर के मार्केट में लाइव आकर के आप पब्लिक से कभी माफ़ी मांगिए नीलुआ भी किसी की बेटी है काजल भी किसी की बेटी है कई सारी लड़कियों के नाम पे गाना बन रहा है वो सब भी किसी की बहन है किसी की बेटी है अभी हाल ही में डिम्पल सिंह जी के ऊपर भी गाना आया है कि रात भर ना चाइबरे बताइए डिम्पल डिम्पल तो अखिलेश जादू का मेहराू के नाम है यूपी के जो सीएम रहे हैं उनकी बीबीए का नाम है तो ये लोग किसको छोड़ रहा है भाई ये लोग किसी को ये सब ये सब फेसबुक या गुंडा हो गए कुछ हो मत कह जैसा चला तरह चले तो कहीं पकड़ है सन कुटात रही है सन दे हजार के फिर हीरो कुछ ना बोल जाए गलत है या नहीं ये चीज़ क्या ये गाना किसी का नाम धो करके गा देना ये चीज़ गलत है या नहीं, नहीं, नहीं गलत तो है गलत तो है अच्छा अभी हाल ही में खेसारी लाल जी जो लाइव आए हुए थे लंदन से उसके अंदर ये भी हमने हम लोग ने ये चीज को नोटिस किया है कि उसके अंदर खेसारी लाल जी कह रहे हैं कि हमने बेटी पैदा करके गलती किया है क्या भगवान ने हमें औलाद दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है अगर किसी को औलाद नहीं हो रहा है तो उसमें हमारी गलती है क्या क्या लगता है ये किसके ऊपर ये चीज़ को देखे, 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 ए, ये किया गया है हम समझ रहे हैं आप क्या पूछ रहे हैं वो हम समझ रहे हैं ये जो बार बार बोला जाता है कि, कि किसी को बच्चा नहीं है तो एक बात बता दे रहे हैं वो दुनिया में इकलौते आदमी नहीं है जो उनको बच्चा है और जिसको बोल रहे हैं वो दुनिया में इकलौते आदमी नहीं है जिनको बच्चा नहीं है अगर आपके हिसाब से आपका एक वीडियो देखे थे हम जिसमें आप बोल रहे थे कि पवन सिंह गायक बाद में है पहले मेरे बाप हैं पहले मेरे पिता हैं तो भाई आप ये कैसे कह सकते हैं जो खुद पवन सिंह को अपना बाप मान रहा है जो पवन सिंह को कह रहा है कि मेरे पिता हैं वो आदमी ये कैसे कह रहा है कि पवन सिंह को बच्चा नहीं है सवाल में कहीं ना कहीं खोट है कहीं मन में खोट है कहना कुछ और चाह रहे हो क्या बोलते हैं उनको भी लेकिन आपको लगता है कि वो जो बात कहा गया है वो सरासर उन्हीं पवन सिंह जी को ही टारगेट करके कह रहे हो हमको तो नहीं लग रहा है कि कहे होंगे लेकिन आप उसका सवाल पूछ रहे हैं। आप सवाल जो पूछे नहीं, उस, कर... उस लाइव में ये बात है कि अगर किसी को औलाद नहीं हो रहा है तो ये हमारी गलती थोड़ी नहीं, है ये अगर वो पवन सिंह को कर रहे हैं तब गलत कर रहे हैं हम उनका सवाल जो उनका जो बात है उसका खंडन कर रहे हैं उन्होंने खुद कहा है उन्होंने खुद कहा है वैसे भी कभी कुछ कभी कुछ होता है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अभी हाल ही में जो गणनायक फिल्म से प्रोजेक्ट जो आने वाला है वो कब तक हमारे ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है इस वीक में आ जाएगा मैं भी मैं भी हाँ इस वीक में आ जाएगा अच्छा अच्छा ही, उसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट आने की तैयारी है कितने गाने पावर स्टार पवन सिंह जी का रिकॉर्ड हुए हैं जैसे कि हमारे ऑडियंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लेकिन अब लगातार देखते हैं कि कोई हर महीने में तीन से चार गाना दो से तीन गाना देखने को मिल ही रहा है लगातार कितने गाने हमारे ऑडियंस को लगातार देखने को मिलने वाले हैं कंटिन्यू यह अभी कंटिन्यू चलेगा इसमें ज़्यादातर रोशन भैया का ही रहेगा ऐसा कुछ नहीं भैया सबका गाना गाते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादातर मेरा है या ज़्यादातर किसी का है सौ गाना गया दो सौ गाना गया उसमें से पाँचों गाना है सेलेक्शन है जिसका जो मैटर सेलेक्ट है मेरा भी है कुछ मैटर सेलेक्ट है अच्छा और रोशन भैया कि और किन के कौन कौन से स्टार के गाने देखने को मिलने वाले हैं अभी हाल ही में भोजपुरी के कितने सिंगर हैं तो किन के किन के साथ गाना तो देखने को मिलने लिए लिखता हूँ मैं सबके लिए लिख जैसे मैं सबके लिए कल्लू जी अंकुश जी ऋतिक भाई हो गए नीलकमल सिंह है ना गुंजन सिंह सबके लिए लिखते हैं प्रमोद प्रेमी जी हैं सबके लिए लिखते हैं अच्छा खेसारी लाल जी के लिए कोई मैटर नहीं लिखते हैं क्या है खेसारी लाल जी के लिए कोई मैटर नहीं अगला सवाल कुछ और करिए ये ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं तो हम नहीं लिखते हैं उनके लिए नहीं लिखते हैं लिखते कुछ कारण बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को क्या कारण बताएँ नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखते हैं इसमें कारण क्या है अच्छा चाहेंगे चलते चलते जिसके लिए लिखते हैं उसका नाम बताएं ना क्या उनके लिए भविष्य में कभी लिखिएगा या नहीं नाम भी मत रखिए, हो सकता है कॉपी आ जाएगा <laughs> नाम पे भी कॉपी है क्या <laughs> न्यूज चैनल वाले को हो सकता है अच्छा चाहेंगे कि अभी हाल ही में पुदीना का पंद्रह मिलियन का सेलिब्रेशन किए हैं तो चाहेंगे गाना हो जाए दो लाइन से दिलवा जयबू ससुराना पवन जस बर एंड मिली मरद सकन है एंड हो सबसे बढ़िया लाइन है सबसे अच्छा प्यार मिल रहा है बाद बाकी तोरा गलिया में तोरा गलिया में मिले हम आईब ए जान तले तो लो पुदीना चिलाईब ए जान सारा लाइन वायरल है सारा रील्स पे एकदम गर्दा कोहराम मचा रहा है बस पे भैया चलते चलते एक लास्ट सवाल क्या जिस लड़के ने खेसारी लाल जी के बेटी का फोटो लगा दिया है उनके ऊपर गाना गाया है उनको जेल में भेजना चाहिए या नहीं उसके ऊपर एफ होना गलत। चाहिए गलत बहुत गलत किसी की बेटी बेटी है किसी की बेटी बेटी है इतना समझ लीजिए किसी के गुस्सा इस बात का है कि अगले ने नहीं समझा इस चीज़ को कि किसी की बेटी बेटी है मैं यही समझाना चाह रहा हूँ गलत तो बहुत किया है उतना तो उतना तो वो गलती माफ़ करने लायक है ही नहीं उस लड़के के बारे में मांग किया जा रहा है कि उसको जेल में भेजना चाहिए इस गलती के लिए अब छोड़ा तो लोग फांसी दीवाद क्या दिक्कत बटे मतलब आपके हिसाब से जेल नहीं होना चाहिए उसको जेल तो सबको होना चाहिए ना जो जो लोग नाम रखे गए सबको होना चाहिए सबको जेल होना चाहिए देखिए ये सब तरीके से बात विचार करके बुद्धिजीवी लोग रहते ना तो इतना कुछ मैटर होता ही नहीं अगर थोड़ा सा आप प्रेजेंटेशन माइंड का दिखाते प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहा जाता है वो दिखाते ना इतना कुछ नहीं होता उससे बात करते उसको कहते कि भाई हटा दो गाना है ना तो अब देखिए क्या है ना कि भोज मेरा इंटरव्यू देखने के बाद हमको लग रहा है कई सारे गुंडे हमको भी फ़ोन करेंगे कई सारे लोग धमकी देंगे हमको ऐसा होता है लोग धमकी देते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो भोजपुरी में अभी जो है इंडस्ट्री में गुंडागर्दी बढ़ गया है इसको समझना पड़ेगा कोई आदमी मसले को जो है बातचीत से हल करना ही नहीं चाह रहा है सबको लग रहा है कि मुझे हल्क वाला पावर मिल गया है हम किसी को नोच के फेंक देंगे किसी को उखाड़ के फेंक देंगे सबको यही लगता है यहाँ किसी भी आदमी से आप बात कीजिए आप कैमरा ऑफ कीजिए कैमरा ऑफ़ कीजिए और उससे बात कीजिए वो तुरंत कहेगा कि कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा है सब अपना लड़का सब है भाई है ये सब चीज़ नहीं आप कलाकार हैं आप कलाकार हैं इससे पहले भी कलाकार थे इंडस्ट्री में कभी ऐसे जबरदस्ती की बातें नहीं होती थी अब सब लोग अपना अपना दिखा रहे हैं किसी को लग रहा है कि हम ये हैं तो हम वो हैं इसी बीच में ये मैटर इतना बढ़ गया अगर उससे प्यार से बात किया गया होता उसको अगर अपना पावर नहीं दिखाते लोग जानते हैं ना अब गाड़ी की स्पीड अगर सौ की हो ना तो एक छोटा सा कंकड़ भी पहाड़ के समान आके लगता अच्छा है अच्छा अभी ऐसा माहौल बन गया है कि दो अहिरान और बबुआन एक साथ में बैठ नहीं सकते हैं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ऐसा माहौल बन गया है सोशल मीडिया के जरिए हम लोग बैठते हैं बैठते हैं, हैं हम लोग हम लोग बैठते हैं हम लोग के मन में वो चीज़ नहीं है कि अहिरान हमें तो इनका साथ ना बैठे मैं इनका साथ हम सबके साथ बैठते हैं हम लोग वो कामें नहीं करते बताइए कोई हमारा काम जिससे हम लोगों ने द्वेष फैलाने का काम किया है कोई काम बता दीजिए जिससे हम लोग समाज में द्वेष फैला रहे हो तो जो कर रहा है उसको होगा कि वो नहीं बैठ सकता होगा हम लोग सबके साथ बैठते हैं हम सबके साथ काम करते हैं अच्छा इतने बड़े सुपर स्टार है तो इतना तो पावर है कि हाँ भाई उनके गाने को हम ब्लॉक करा सके और उसके ऊपर एफ आई आर कर सकते थे अंदर सोशल मीडिया पे बिना आए हुए तो इस चीज़ को क्यों नहीं नॉर्मली किया गया कैमरा बंद करिए था जवाब दे जवाब हो सकता है कि बहुत लोग खराब लग जाए दूसरा सवाल करा नहीं ये सब ये सब सब नहीं कर सकते हैं ना, जो जितना सोचेगा उतना ही करेगा तो किसी भी विवाद को किसी भी समस्या को समाधान कैसे करना है ना, किसी भी मैटर का सॉल्यूशन कैसे निकलना है उस पर सोचना चाहिए इंसान को समझ रहे हैं ना जब तक आप सोचिएगा नहीं अब ये लाइट बंद करना है तो आप, आप इसको बंद करना है इसको मार के फोड़ दिए बंद हो जाएगा बंद तो ये ऐसे भी हो जाएगा लेकिन सोचेंगे तो जाके स्विच ऑफ करेंगे समझ गए ना दोनों बंद करने का दोनों तरीका है यहाँ से ये माइक चला के मार देंगे तो भी बंद हो जाएगा वो स्विच ऑफ कर देंगे तो भी बंद हो जाएगा ये आप पे डिपेंड करता है आप बंद कैसे कर रहे हो सेम चीज़ उस लड़के के साथ भी हुआ है समझ गए भैया आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि लगभग हम आपका 20 से 25 मिनट समय ले लिए और आपको अभी लगभग रिकॉर्डिंग भी करना है तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा पच्चीस मिनट कालो ले रहा <laughs> कौन बात है ठीक बा बढ़िया बा भैया आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अब हम लोग भी कुछ रिकॉर्ड करेंगे कुछ गाना वगैरह तो केक गया गाना हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे उसी दरमियान केक आ गया तो हम लोग तो को तो प्लान था कि सौ मिलियन पे केक काटना है चूँकि एक महीने डेढ़ महीने में यह चीज़ अचीव हो जाता लेकिन अब भाई लोग गार्डियन भाई वगैरह ये लोग का प्यार है भैया काट दिया जाए तो काट दिए हम लोग ऐसे भी केक खाने का मन कर ये रहा था <laughs> खिला चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया थैंक यू थैंक यू अच्छा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी ऐसे अहिरान बबुआन करते हैं ऐसा मत कीजिए हमारे भोजपुरी को दो इसमें मत बांटिए प्लीज इसको ये एक है और एक रहने दीजिए क्योंकि जब हम एकता रहे जब हम सब लोग एक परिवार मिल करके रहेंगे हमारे में एकता रहेगा तो हम किसी भी मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाएंगे